नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में वैनगंगा क्लब के टेनिस कोर्ट में आयोजित फर्स्ट एमपी स्टेट रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के पहले दिन सभी वर्गों में सिंगल्स के 16 मैच कराए गए, जो प्रातः से प्रारंभ होकर दूधिया रोशनी में भी खेले गए। इससे पूर्व वैनगंगा क्लब अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, वैनगंगा क्लब सचिव अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर अभय लोकरे, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष सक्सेना, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब महासचिव विजय वर्मा एवं जिला खेल अधिकारी कृष्णा चौरसिया के आतिथ्य में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जहां अतिथियों ने टेनिस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित इस प्रतियोगिता के माध्यम से बालाघाट की प्रतिभाओं को खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम का मंच संचालन सचिन अग्रवाल ने किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन निर्मल वैद, ज्वाइंट सेक्रेटरी आलोक चौहान, सीए बलजीत सिंह छाबड़ा, लवली सचदेवा, संजय वेगड़, शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अक्षत शुक्ला, परेश बापना उपस्थित थे। गौरतलब हो कि इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लगभग 100 टेनिस खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जिनके बीच अलग अलग वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्गीय एटलदास गरपाले की स्मृति में आयोजित 2023 फर्स्ट एमपी स्टेट रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में 18 से 22 जनवरी तक मेंस सिंगल्स एंड डबल अंडर 18 बालक जूनियर वर्ग, अंडर 14 बालक जूनियर वर्ग, बालिका वर्ग, सब जूनियर अंडर 12 बालक वर्ग, सब जूनियर महिला सिंगल्स एवं 45 प्लस बेटन मेंस सिंगल्स एवं डबल के इंटर स्टेट मेंस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। टेनिस के सभी मैच वैनगंगा क्लब के सिंथेटिक और क्ले कोर्ट में आयोजित किए जाएंगे, जो पूरे दिन और रात्रि में दूधिया रोशनी में भी खेले जाएंगे। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।